inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. आज फिर से हम लोग आए हैं सेकेंड टाइम हसमुख में. हम सेकेंड टाइम आए हैं, भैया बहुत बार आ चुके हैं. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब के लिए आप फिर से जोरदार हंसी और गुब्बारे का पोएट्री कॉमेडी सब होगा फिर से, तो आप ब्लॉग में जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा. आज परफॉर्म भी करने वाले हैं. चलिए मिलते हैं अंदर. हाँ इंसान हूँ, कुछ खामियाँ हैं मुझ में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ इंसान हूँ, कुछ खामियाँ हैं मुझ में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब उस चांद को ही देख लो, चांद में भी तो दाग है. तुम सवाल मुझ पे एक करोगे, मैं हर एक सवाल का जवाब हजार देती हूँ. तुम सवाल मुझ पर एक करोगे, मैं हर एक सवाल का जवाब हजार देती हूँ. मेरी औकात बस मिट्टी जितनी है, पर अपनी कविताओं में मैं उस चांद तक को पन्नों पर उतार लेती हूँ. जो तुम बेवफा हुए, जो तुम बेवफा हुए तो हमने तुम्हें लिखना छोड़ दिया. जबकि ऐसा होता नहीं है, बेवफा कोई हो जाता तभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं. जो तुम बेवफा हुए तो हमने तुम्हें लिखना छोड़ दिया, इश्क की नज़मों में तुम्हें पुकारना छोड़ दिया. अब हमारे लफ्ज़ों से वफाओं की उम्मीद ना करना, अब हमारे लफ्ज़ों से वफाओं की उम्मीद ना करना, क्योंकि तुमने ही इस कदर हमें मजबूर छोड़ दिया. हेलो गाइस, माय नेम इज संतोष एंड मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नेहा है. क्या है भाई? तो ऑर्केस्ट्रा के बारे में मैं बात करूंगा. ऑर्केस्ट्रा के बारे में तो कितने लोग ऑर्केस्ट्रा के बारे में जानते हैं? सब लोग डिबेट चेयर मासूम महिला आप जानते हैं ना. तो चलिए मैं फिर भी बताता हूँ कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है. एक सेक्सी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ठीक है. उसमें कुछ लेडीज जो है सो पहले गाना गाती हैं, उसके बाद सेक्सी गर्ल्स आती हैं जो गंदा डांस करती है. फिर किसी तरह से मैंने उससे पहले ढेर सारे ऑर्केस्ट्रा देखे थे, गांव से बिलोंग करता हूँ तो ढेर सारे ऑर्केस्ट्रा देखा था, तो कुछ कुछ याद आ रहा था. तो मैं शुरू हो गया कि मेहरबान करदार साहिबान, कि मेहरबान करदार साहिबान, दिल थाम के बैठे रिंज ऑर्केस्ट्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है. दिल थाम के बैठी आपके सामने आ रही है होस्ट की मल्लिका, रूप की रानी और आप सबकी दीवानी मिस चाचा. नाम क्या है डांसर का? तुम चाचा बोले नेहा. तो आपके सामने आ रही है मिस नेहा. चाचा वो तो लड़की की बहन है ना, शादी जिसे होने वाली थी भाई की, उसकी बहन, वो तो बहन है ना. चाचा बोले वही है. चाचा बोले वही है. मैं बोले पर वो क्यों? चाचा बोले डांसर भी नहीं है, उसकी भी, उसके खानदान की भी तो इज्जत बचानी है ना. कभी सुर्ख होठों से कुल्हड़ को तुम छूना, कभी सुर्ख होठों से कुल्हड़ को तुम छूना, देखना चाय भी नशे में झूम लेता है. कभी सुर्ख होठों से कुल्हड़ को तुम छूना, देखना चाय भी नशे में झूम लेता है. पहली घूंट में चिपकते हैं होठ भी हमारे, पहली घूंट में चिपकते हैं होठ भी हमारे, बस कुछ कुछ इसी तरह से कुल्हड़ भी हमारे होठों को झूम लेता है. सितारे वाले छोटे छोटे वादे नहीं चाहिए तुमसे, कि चांद सितारे वाले छोटे छोटे वादे नहीं चाहिए तुमसे, सात जन्म वाले वादे निभाओगे तो बोलो. कि चांद सितारे वाले छोटे छोटे वादे नहीं चाहिए तुमसे, और सात जन्म वाले वादे निभाओगे तो बोलो. और मेरे नखरे शहर वाले नहीं है, और मेरे नखरे शहर वाले नहीं है, हर रोज मेरे माथे पे बिंदी सजाओगे तो बोलो. मैं तुम ये वो हम सभी,
मैं तुम ये वो हम सभी पल दो पल के राम निज मन बैठी कामना कहाँ गया इंसान कि मिलने ही वाले थे दो दिल कि मिलने ही वाले थे दो दिल और बनने ही वाले थे एक जान कि देखो दो धर्मों का प्यार इस जमाने को ये गवारा ना था कि अब दे दिया था हमारे इश्क को लव जिहाद जैसा नाम और बना दिया था हमें नापा और अब इस जमाने से लड़ने की ताकत कहाँ थी हम में और अब इस जमाने से लड़ने की ताकत कहाँ थी हम में और हमने भी समझा लिया खुद को कि कहाँ हुए थे ही रांझा और लैला मजनू एक और हमारी ही तरह रह जाएंगी अधूरी प्रेम कहानियां में मेरे बगैर कितना वक्त गुजार लोगे तुम देखना एक दिन मुझसे ही मुझको मांग लोगे तुम मेरे बगैर कितना वक्त गुजार लोगे तुम देखना एक दिन मुझसे ही मुझको मांग लोगे तुम और प्यार वफा वक्त सब कुछ तो दिया था तुम्हें प्यार वफा वक्त सब कुछ तो दिया था तुम्हें अब इससे ज्यादा क्या मेरी जान लोगे तुम मैंने तुमसे कि अगर कभी जाना हुआ तो इत्तला कर जाना हाँ कहा था मैंने तुमसे कि अगर कभी जाना हुआ तो इत्तला कर जाना ये बुजदिलों की तरह मुंह फेर मत जाना मसला ये नहीं है कि तुम बुजदिल कहलाओगे मसला ये नहीं है कि तुम बुजदिल कहलाओगे हम जो ये टूट कर बिखर जाएंगे संभलने का हमें जरा वक्त दे जाना तेरे गिले को गजल में बदल दूं तेरे शिकवों को शिद्दत में बदल दूं पार तो करने दे ये दूरी का दरिया हुस्ना मैं तेरे नफरत को नशे में बदल दूं क्या वो वक्त कभी आएगा जब हम लोगों को इमोशनल फूल बनाना मुश्किल हो जाएगा वेल द आंसर इज नो क्योंकि इंडियाज इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस इज वेरी स्लो ये मोदी वर्सेस पप्पू के बीच में ही हमारी डेमोक्रेसी सिमट जाएगी अपनी थिंकिंग को प्रूव करते करते ही हमारे देश की क्रिटिक्स की जान पर बनाएगी कब आएगा वो दिन जब हमारे पास होगा कोई सेंसिबल ऑप्शन कब कोई आएगा जिससे दूर होगा यह नैतिकता का करप्शन जिंदगी भर की कमाई देता है जब बाप अपनी बेटी को विदाई देता है जिंदगी भर की कमाई देता है जब बाप अपनी बेटी को विदाई देता है और दुल्हन शर्म से सिकुड़ सी जाती है दूल्हा जब दुल्हन को मुंह छुपाई देता है दूल्हा जब दुल्हन को मुंह छुपाई देता है देवर का चेहरा भी कुछ खिला खिला सा रहता है देवर का चेहरा भी कुछ खिला खिला सा रहता है भाई जब लाकर घर में भौजाई देता है पूछती हूँ किस हक से यहाँ आए हो पूछती हूँ किस हक से यहाँ आए हो क्या सी मेरी पहचान बनाओगे पूछती हूँ किस हक से यहाँ आए हो क्या सी मेरी पहचान बनाए हो आ तो गए हो आ तो गए हो फिर करीब भी आओगे लटों को कानों के पीछे अटकाओगे आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ फुसफुसाओगे मैं फिर पूछती हूँ किस हक से यहाँ आए हो क्या से मेरी पहचान बनाओगे सारी थकान और नुकसान एक ही पल सारे थकान और नुकसान एक ही पल उनके गोद में मिट और नफा जाते हैं सारे जश्न मिठाइयाँ और लाइटें जला कर करते थे मेरे बाबा ईद खुद पुराने कपड़े और मुझे नए कपड़े पहना कर करते थे मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आँखों में लेके जगा क्या जानता था क्यों ही था मेरा जो मिला तो लगा ये बहुत सही बंदा है ठीक है और फिर मैं ब्लॉग में आऊंगा तो फिर तो मैं फेमस हो गया नाम भी नहीं जानते मेरे को पता है मेरा नाम लाइक कमेंट सब्सक्राइब
प्लीज कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हाँ बहुत सही बनाया। सब्सक्राइब टू मुंबई का निखिल। नहीं नहीं मैं पहली बार मैं पहली बार मिल रहा हूँ लेकिन इंस्टाग्राम आईडी ऐसा JSZDV7292। ओके ओ माय गॉड बाय। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और सबसे अच्छा किसका परफॉर्मेंस था ये भी बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं इसी तरह से वीडियो लाते रहता हूं। और जो लोगों को नहीं पता है हसमुख क्या चीज़ है उसको मैं ब्रीफ एक्सप्लेन करके बता देता हूं हसमुख क्या चीज़ है। तो हसमुख एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्टैंड अप सिंगिंग पोएट्री और अनेक प्रकार के जितने भी स्टैंड अप होते हैं लाइक सारे चीज़ वहाँ पे होता है। हर एक संडे को रांची में किसी न किसी रेस्टोरेंट में होता है। आप हसमुख के पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है परफॉर्म करने के लिए, तो मैं हसमुख का फेसबुक पेज का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप उसे फॉलो कर लें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।